असलकम स्टूडेंट्स कल से हम केमिस्ट्री का चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्यूअर पढ़ते जा रहे हैं आपके स्टीवन सिलेबस का पहला यूनिट है। देखो कल हमने प्योर सब्सटेंसेस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की और हमने देखा कि प्योर सब्सटेंस बेसिकली इन्वॉल्व टू मैन ग्रुप्स एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स या हम कहते हैं कि दिस प्योर सब्सटेंसेस इंक्लूड टू मैन ग्रुप्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज़ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स तो फिर हमने देखा कि जो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ऑनली सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जिन पार्टिकल्स से प्योर सब्सटेंस बनता है उनको या तो हम एलिमेंट्स कहते हैं एटम्स कहते हैं या तो हम उनको मालिक्यूल्स कहते हैं एटम यू नो ऑलरेडी एटम को ऑलरेडी आपने डिफाइन किया है फॉर मी एन एटम एन एलिमेंट इज द सेम थिंग दिज आर दैम इन एंटिटीज लेकिन अब हम मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है एलिमेंट्स यू नो वी हैव we are having 118 elements in the periodic table or at present in the universe we have 118 types of elements uh, atoms discovered so far 118 elements means 118 type of atoms have been discovered till date you know atoms very well molecule is basically when two or more than two atoms are held together by a covalent bond, basically, molecules are um, two or more than two atoms of the same kind, or the two or more than two atoms of a different nature, two different uh, atoms, or two same atoms when held together. बाई कोवलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड मालिक्यूल्स तो हम डिफाइन कर सकते हैं मालिक्यूल को टू आर मोर दैन टू आइटमस हेल्ड टूगैदर बाई कोवलेंट बॉन्ड्स तो केमिकली ये लिंक होते हैं जो केमिकल लिंकेज होती है बिटवीन द आइटम्स वी कॉल्ड दैम एज बॉन्ड्स तो यहाँ पर जो बॉन्ड का नेचर है वो कोवलेंट है इट कैन बी अ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आगे जाके इनशा आपको पता चलेगा फ़िलहाल इस जंक्चर पर इन चीज़ों को डिस्कस करना मुनासिब नहीं होगा गो इन मालिक्यूल एटम्स आर हेल्थ टुगेदर टू आर मोर देन टू एटम्स आर हेल्थ टुगेदर बाई कोवर बॉन्ड्स और जो काबर बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है डबल भी और ट्रिपल भी हो सकता है जो ये मालिक्यूल हैं ये दो कस्म के हमारे पास होंगे वन वी कॉल एज द होमो आइटामिक मालिक्यूल And second, we called as heteroatomic molecules. Two types homoatomic molecules and heteroatomic molecules. By homo, we mean only one kind. Those molecules which are made up of only one kind of atoms, or those molecules in which only one kind of atoms are held together by covalent bonds, are called as homoatomic molecules. For example, एच टू है दो हाइड्रोजन एटम्स लिख हैं ओ टू है दो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स लिख हैं इसी तरीके से एन टू होगा इसी तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है पी फोर मालिक्यूल फॉस्फोरस पी फोर मालिक्यूल चार फॉस्फोरस एटम्स निकट हैं एस एट आठ सल्फर एटम्स निकट हैं टुगेदर तो ये देखो इन तमाम मालिक्यूल में वी हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन में हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन एटम्स फॉसफोरस आइटम्स सल्फर आइटम्स इन मालिक्यूल को हम कहते हैं होमो आइटमिक मालिक्यूल दियर कैन बी अनदर एज वी हैव अनदर टाइप ऑफ मालिक्यूल विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ आइटम्स होमो आइटमिकस में सिर्फ़ एक ही कस्म के आइटम्स होंगे और हीटर आइटम्स में एक से ज़्यादा कस्म के आइटम्स लिंकड होते फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वाटर मालिक्यूल है एच टू ओ दो टाइप काफ़म्स हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स एच टू एस ओ फोर तो हाइड्रोजन एटम्स सल्फर एटम्स ऑक्सीजन एटम्स सी ओ कार्बन मोनोऑक्साइड, एस ओ टू एटीसिटिक दीज आर ऑल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स ठीक अब मैटर हमने पढ़ा कि मैटर दो किस्म का होगा मैटर प्योर सब्सटेंस एंड इमप्योर सब्सटेंस जो इमप्योर सब्सटेंस होते हैं उनको हम मिक्सचर्स कहते हैं तो आप हम आज मिक्सचर्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ अ मिक्सचर अक्सचर इज एन इमप्योर सब्सटेंस और आई कैन से मिक्सचर कंटेंस टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्सड टुगेचर इट मीन सब्सटेंस मिक्सड टूगेदर वो मिक्सचर कंटैनज टू आर मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर जब हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को ही मिक्स करेंगे तो जहाँ वो रिजल्टिंग सब्सटेंस होगा वो मिक्सचर होगा गो मिक्सचर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस तो एग्जांपल हम ले सकते हैं मिक्सचर की सॉल्ट सॉल्यूशन आप वाटर को डिजॉल्व करेंगे पानी में तो ये मिक्सचर बनेगा सॉल्ट इज़ अ प्योर सब्सटेंस वाटर इज़ अ प्योर सब्सटेंस जब हमने दो प्योर सब्सटेंस को साल्ट और वाटर को मिक्स किया तो आपका मिक्सचर बना साल्ट सोल्यूशन इस तरीके से आपका मिल्क जो है इसमें वाटर होगा फैट होगा प्रोटीनस होंगे ये चीज़ें होंगी तो ये बन गया मिक्सचर पेट्रोलियम जितना भी है तेल है डीजल है पेट्रोल है आर मिक्सचर पेट्रोलियम जब अभी जब हमने पेट्रोल को अलग किया इससे पहले जो प्रोडक्ट होता है क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं उसको हम पेट्रोलीम भी कहते हैं जिस वक्त ज़मीन से जो तेल डायरे तेल डायरेक्ट ही मिलता है उस तेल को हम पेट्रोलियम कहते हैं ये भी एक मिक्सचर है एल पी जी गेस आपकी जो वेरियस गेसेज है, है इस तरीके से जो मिनरल्स uh, हैं जो मिलती हैं जमीन से सारी की सारी मिक्सचर्स हैं ठीक है ना तो याद रखोगे ऑल द मिक्सचर्स आर मिक्सचर्स क्या है इम्प्योर सब्सटेंस ठीक है लेट अस टेक ट्राई टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स प्रॉपर्टीज़ पहली प्रॉपर्टी मिक्सचर की है मिक्सचर्स कैन है बोथ होमोजीनियस और हीसम कंपोजिशन तो प्योर सब्सटेंसेस के मुतर हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंसेस हैव यूनिफॉर्म कम्पोजन और वी कैन से प्योर सब्सटेंसेस जो है दे हैव होमोजीनियस कम्पोजन कम्पोजन जो रहती है थ्रू आउट सेम रहती है लेकिन मिक्सचर्स में किसी मिक्सचर की कम्पोजन होमोजीनस भी हो सकती है और किसी भी किसी की जो कम्पोजन है वो हिटीरोजीनस भी हो सकती है प्योर सबस्टेंस कैन हैव बोथ होमोजीनियस एंड हिटीरे और एमप्योर सबस्टेंस की बात मैं करता हूँ मिक्सचर्स की मिक्सचर्स कैन हैव बोथ होमोजीस और हिटीरोजीस कम्पोजिशन नंबर वन नंबर टू दे डू नॉट हैव अ है कम्पोजन प्योर सब्सटेंसिस की कम्पोजिशन फिक्सड होती है जब भी हमें किसी प्योर सब्सटेंस को लेना होगा तो वहाँ पर जो रेशो होगा टू आइटमस का तो वो हमेशा फिक्सड होगा जैसे हमने देखा वाटर का कल उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो वो हमेशा फिक्सड रहता है लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें ये कम्पोजन जो फिक्सड नहीं होती है नंबर थ्री दे मिक्सचर्स डू नाट है इनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट वो फिक्सड नहीं रहता है बिकॉज ऑफ देयर वेरिएबल कम्पोजन फिक्सड एंड दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस फॉर डिफरेंट ऑब्जरवेशनस नंबर फोर्थ कैन बी सेपरेट बाय एनी फिज़िकल प्रोसेस हम मिक्सचर्स uh, को जो है ना हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं वी कैन हैव मिक्सचर्स फॉर एग्जांपल सैंड इन राइस मिक्सचर हमारे पास है या हम मान लेते हैं सैंड इन साल्ट होगा वो एक मिक्सचर होगा हम उसको बाय फिज़िकल मीनस सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस होती हैं जो आपने क्लास सेवन्थ में पढ़ी हैं साइविंग एक प्रोसेस है हैंड पिकिंग प्रोसेस है दीज आर ऑल प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स ठीक है ना वो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड नो डाउट ऑल ऑल द मिक्सचर्स आर नॉट फिजिबल फॉर द फिजिकल प्रोसेस बट विकन से दैट दीज मिक्सचियर्स कैन भी सेपरेटेड बाई एनी फिज़िकल प्रोसेस इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सॉल्ट uh, वाटर है हम यहाँ पर साल्ट को और वाटर को सेपरेट कर सकते हमारे पास एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एवाप्रेशन ठीक है न तो एवाप्रेशन के ज़रिए हम साल्ट को वाटर से सेपरेट कर सकते सिमिलरली वी कैन सेपरेट बाई एवापरेशन शुगर फ्राम वाटर ठीक है ना बहुत सारे मिक्सचियर्स दीज कैन भी सेपरेट बाई फिज़िकल प्रोसेस नाव वी कैन हैव द मिकचर्स आफ टाइपस दो टाइप्स हमारे पास हैं मिक्सचर्स डिपेंडिंग ऑपन दियर कम्पोजन अभी जो हमने पहले ही पढ़ा कि मिक्सचर्स कैन हैव बहुत होमोजीस एंड हिटीरोजीस कम्पोजिशन सो इस तरीके से हमारे पास दो टाइप्स आते हैं मिकसचर्स के वन वी कॉल एज होमोज मिक्सचर याद रही रखिएगा प्लीज़ होमोजीस मिकस्चर और दूसरा हमारे पास है हिटीरजीनीस मिकसचर होमोजीनियस मिकसचर मीनज मिकसचर्स हैविंग यूनिफार्म कम्पोजन थ्रू आउट तो इन में जो कम्पोजन जो रहती है होमोजीनस मिकस्चर्स में वो यूनिफॉर्म कम्पोजन थ्रू आउट होती है फॉर एग्जांपल अगर हम सोल्यूशनज़ लेंगे सोलूशन जो है इट इज़ ए होमोजीनस मिक्सचर तो ठीक फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्पल साल्टलूशन लेंगे शुगर शुगर सोलूशन लेंगे या एलाइज देंगे हम मेटल्स की इन में जो कम्पोजन रहती है वो सेम रहती है थ्रू आउट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सॉल्ट को पानी में डिजॉलव किया तो अब जो ये साल्ट वाटर आप चखोगे जिस भी बंदे को आप सॉल्ट वाटर का एक एक कप दोगे हर किसी के लिए इसमें साल्ट कंटेंट सेम दिखेगा ठीक तो इसकी जो कम्पोजन है वो यूनिफॉर्म होती है यहाँ हम घर में शुगर सोल्यूशन बनाते हैं पानी का ठीक है ना? तो देखते हैं आप हमने दो चार गिलास एक जग पानी में शुगर डाल दिया तो हमारे लिए शुगर सोल्यूशन तैयार हुआ आप जो भी उस शुगर सोल्यूशन को पिएगा हर किसी के लिए वो शुगर कंटेंट सेम रहेगा है ना यहाँ हम जूसेस बाज़ार से लाते हैं स्लाइस लाते हैं माज़ा लाते हैं तो माज़ा का माज़ा जूस की बोतल आपने लाई थर्टी फाइव रुपीज़ की या दूसरी जो आती है सिक्सटी फाइव रुपीज़ की सिक्सटी एट रुपीज़ की जिसको भी उससे आप एक, एक गिलास दोगे हर किस, किसी के लिए वो एक जैसा मीठा होगा क्यों क्योंकि इसकी इसमें जो शुगर की जो कम्पोजन है वो सेम है थ्रू आउट तो इन मिक्सचर्स को जिन में जिनकी कम्पोजन सेम रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर उनको हम कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर बात बाद समझ में आपको सॉल्ट शूशन घर में आप बनाते हैं आप चाय में नमक डालते हैं तो चाय के हर पहले में नमक का कंटेंट बराबर होता है होता है ना तो उसको हम कहेंगे ये होमोजीनस मिक्सचर है शुगर सोलूशन लिप्टन चाय में आपने शुगर डाल दिया जो भी वो लिट्टिन चाय पिएगा हर किसी के लिए शुगर कंटेंट में सेम रहेगा उसको हम कहेंगे ये एक होमोजेनस मिक्सचर है ठीक है इसके बाद एलाइज़ हैं एलाइज़ में बाद में पढ़ाऊँगा दूसरी क्लास में एलाइज़ क्या चीज़ होती है तो दीज आर ऑल्सो होमोजीनस मिक्सचर्स इसके बाद हमारे पास होता है एक और टाइप दैट इज़ हीट्योरेजीस जिसमें कम्पोजन सेम नहीं रहती होमोजीनियस में कम्पोजन यूनिफॉर्म होती है सेम कम्पोजन होती है और हिटोरिजीनियस में कम्पोजन सेम नहीं रह सकती ठीक है ना और जो एक और बात होमोजीनियस मिक्सचर जो हैं उनमें सबस्टेंसेस कम्प्लीटली मिक्स होते हैं हमने साल्ट को पानी में डिजॉल्व किया तो साल्ट पानी में कम्प्लीटली मिक्स होता है ठीक है शुगर को पानी में डाल दिया तो शुगर और वाटर कम्प्लीटली मिक्स होते हैं वो होमोजीनियस <laughs> मिक्सचर्स में जो इनकी जो कम्पोजन होती है कंपोज जिन जिन सब्सटेंसेज ये होमोजीनियस मिक्सचर्स बनते हैं वो सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्सड होते हैं है ना और जो हिडोरजीनियस सब्सटेंसेज हैं उनमें जो सब्सटेंसेज होते हैं वो कम्पलीटली मिक्स नहीं होते हैं बट दी सब्सटेंसेज आर सेपरेट सब्सटेंस ठीक है तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे हीडियोजीस मिक्सचर्स की एग्जाम्पल है सस्पेंशन हैं कोलाइडस हैं सस्पेंशन मतलब हम चौक और वाटर सोल्यूशन लेंगे हम मडी वाटर लेंगे पानी जो है गंदला पानी या बारिश में मिट्टी वाला पानी आता है नलकों में तो वो पानी जो है वो एक सस्पेंशन है क्योंकि अगर हम किसी टाइम के लिए उस पानी को बीकर में रख देंगे तो जो मड उसमें होता है वो नीचे जम जाता है ठीक है इस तरीके से चौक अगर हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो चौक को पानी को पानी में डिजॉल्व करके किसी टाइम के लिए अगर हम चौक वाले पानी को रखेंगे बीकर में तो चौक पार्टिकल जो वो पे है वो बॉटम पर सेटल होते हैं ना दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन वो इनकी जो कंपोजिशन वो सेम नहीं होती है ठीक है इसी तरीके से सैंड इन वाटर सैंड पार्टिकल इन वाटर ये भी एक सस्पेंशन है ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास मिक्सचर्स की दो कस्में होती हैं होमोजीनस एंड हीटोजीस तो दोनों को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की आज के लिए इतना ही कल हम पढ़ेंगे सोलूशनस क्या होते हैं सस्पेंशनस क्या होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स क्या कोलाइडल सोलूशनस क्या होते हैं तो तीन टाइप कल हम चीज़ें जो तीन टाइप की पढ़ने जा रहे हैं सोलूशनज सस्पेंशनज एंड कोलाइडस ये काल होगा आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफ़